अंदर बाबा थारे से नफरत करे, प्यार का खेल किया था थारे साथ, नाटक किया था कि थारे को मार सकूं। थारी कैसी है? बहुत अच्छी। आ जाइए तुझसे मिलने और तेरे पति और ससुराल वालों से मिलने। बोला कहाँ है सब लोग? अधिराज, हीरा जी आइए ना बाहर। घबराइए मत मासा, ये नाराज नहीं हुए, लगता है शर्मा गए होंगे इसलिए सीधा अपने कमरे में चले गए। वो कल रात हमारे लिए बहुत खास थी मासा, उसके बाद ही ये के? कल की रात के देवी, अरे मौसी साहब, अरे कैसी है? बहुत अच्छी, आपसे मिलकर और अच्छी। सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मौसी साहब, आप सुजानगढ़ में? हाँ, अपनी बच्ची से मिलने आई हूँ, देखने आई हूँ कि वो यहाँ कितनी खुश है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ से वादा तो किया था कि मैं हमेशा तेरा ध्यान रखूंगी, लेकिन अपने घर की उलझनों में ही इतनी इतनी बिजी थी कि आ ही नहीं पाई। लेकिन फिर भी आ जाइए तुझसे मिलने और तेरे पति और ससुराल वालों से मिलने। बोला कहाँ है सब लोग? अधिराज, अधिराज नाम है ना उसका? हाँ। अधिराज, अधिराज जी, हीरा जी आइए ना बाहर, मुझे मिलना है आपसे। मासिसा, ये आप क्या कर रही है? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब देर नहीं करूंगी, मुझे मिलना है उनसे। अधिराज, ये सरला माँ है, मेरी माँ की सबसे पक्की सहेली। हम इन्हें मौसी, आप मुझे इस समय देवी की माँ ही समझ सकते हैं, इसलिए माँ होने के नाते आपको परखने आई। परखने? हाँ, माँ हूँ, अपनी बेटी दी है तो इम्तिहान लेने और परखने का हक तो बनता है। आपको पता है बेटा कि एक पत्नी को संगनी क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो संग संग चलती है, बल्कि इसीलिए कि वो उसके साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव देखती है, उसकी बराबर की हकदार होती है, साझेदार होती है। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि एक लड़की जब ससुराल में आती है तो जिस प्यार और धीरज से उस परिवार को बढ़ाती है, उनका मान सम्मान करती है, तभी असली मायनों में वो एक अच्छी संगनी और एक अच्छी पत्नी कहलाती है। लेकिन मेरी बेटी कभी भी एक अच्छी पत्नी और संगनी नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसे बनने के लिए उसे अपने पति यानी कि आपका और अपने ससुराल वालों का साथ चाहिए। अगर आप ही उसका साथ नहीं देंगे तो वो कैसे बन पाएगी एक अच्छी संगनी और एक अच्छी पत्नी? माफी चाहता हूँ जी, हमारे घर में पहली बार आई है, पहली बार हमारे से मिली है। थारे को यो कैसे लगा कि यो घर में देवी की कदर ना है? मारा मतबल कि मैं देवी का ख्याल ना रखूं। बेटियां बहुत बहुत प्यारी होती, उनके ससुराल में कितना भी दुख, उन्हें कोई बिल्कुल प्यार भी ना दे रहा हो ना, तब भी अपने मायके वालों के सामने अपने ससुराल वालों की बुराइयां नहीं करती।
देवी ने मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन बहुत तजुर्बा है मुझे, इंसान देखकर परख लेती हूँ। इसीलिए आपसे भी कह रही हूँ बेटा, आपको जो मिला है ना उसकी कद्र करो। हीरा है, हीरा है देवी, उसकी कद्र करना सीखो। लेकिन आपने और आपके परिवार वालों ने कभी उसे उसका स्थान, उसे उसे प्यार दिया ही नहीं। मुझे तो बल्कि सबसे ज्यादा शिकायत है हीरा जी से। कहाँ है आपकी बाहू ने बुलाई है ना, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। उन्होंने मेरी बेटी को ना कभी प्यार दिया, ना सम्मान दिया, ना उसका स्थान दिया। इस देश में तो बहू को लक्ष्मी का रूप मानते, लक्ष्मी का निराधार, मतलब उस घर में बरकत कभी आ ही नहीं सकती। शापित है इस घर का सिंदूर और शापित ही रहेगा जब तक आप लोग कुछ नहीं करेंगे। आप अपने घर की बहू को इज्जत नहीं देंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। जिस दिन से आप इसे उसका स्थान दे देंगे ना, उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौसी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं यहाँ खुश हूँ। सच देखा आपने, आप लोग इसके साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और ये कितने कष्ट आप उसे दे रहे हैं, वो कितने दुख में है, ये मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ। लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल वालों को बचा रही है, मेरे सामने सिर्फ ये दिखा रही है कि वो यहाँ खुश है। ये सब लोग उसे प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी पत्नी दी। सच में ये आपका घर खुशियों से भरने वाली, सब कुछ अच्छा करने वाली है इस घर में, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली, खुशियां लाने वाली। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आपको समझ में आए तब तक बहुत देर हो जाए। नए साल के दिन यहाँ खड़ी हूँ तो अपनी बच्ची और आप सबके लिए मन में बस दुआएं ही है। इसीलिए मैं दुआ देती हूँ कि अभी इसी समय से इस घर पर जितने भी काले बादल हैं ना, वो सब चढ़ जाए। आप मेरी बेटी का ध्यान रखो, उसे उसका स्थान दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब इतने सारे आशीर्वाद दिए तो थोड़े और तो तब बनते जब बच्चे माँ का पांव छूते हैं। तो खुश खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। माँ हूं ना तो बिना कहे बच्चे की बात समझ जाती हूँ। बस आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ और यही कहूंगी कि आने वाला साल आप दोनों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। दी, क्या हुआ, सब ठीक है? पता है कितने परेशान हो गए थे कलम लोग? किसी को खबर ही नहीं कहाँ गए तुम लोग। खा तो दिया होता, एक कम से कम एक फोन ही कर दिया होता। कहाँ गए थे? सर, तुम्हारे को बड़े दोस्त कहते हैं ना। मैं तो नहीं कहता दोस्त, मैं तो भाई कहता हूँ। भाई मानता है ना हमारे को? हाँ, जो मैं कहूंगा तू करेगा? बिल्कुल करूंगा, बोलना। कोई सवाल जवाब ना करेगा तुम्हारे से? कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, पता। ठीक है, मार मारे को और मार मार के मारी चमड़ी उतरते। देखा दी, मुझे पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पता मुझे। निराश किया है अपनों को, निराश किया है मैंने, भरोसा तोड़ा है मैंने उनका, अपनों से किए वादे को पूरा ना कर पाया। देख तू मारे को सजा दे। तू दे, जिसने निराश किया है सजा देने का हक भी उसी का ही है। तेरे ठीक कहा, बिल्कुल।
अचानक इन्हें क्या हुआ? वो गुस्से में लग रहा था, बोल रहा था किसी का भरोसा तोड़ा है इसने, उसको सजा देना चाहता है। सजा? किस बात? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। हाँ तो मुझे भी कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है सब। कह रहा था कि किसी को निराश किया है, किसी को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया, किसकी बात कर रहा है? खैर आपको कुछ पता चले तो बताइएगा। उनका विश्वास तोड़ा है इन्होंने, इस वादे की बात कर रहे थे। रात तो सब ठीक था, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक से? हाँ कल रात थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मैं आपको टेंट में ले चलती हूँ। मैं इनको अंदर ले गई, ये सो गए। मैं भी लड़कियों के टेंट में सो गई। वह होते ही हम हवेली लौट आए। इस बीच ऐसा क्या हो गया जो इन्हें इतना परेशान कर रहा? इनकी परेशानी की वजह मुझे जाननी ही होगी। आज मैं यहां पर कोई सफाई पेश करने ना आया। जो गुना हमारे से हुआ है उसकी सजा भुगतनी आया। अधिराज अपने आप को थोड़ा लाडे सर ना कह सको। जो औलाद अपने मासा से किया वादा ना पूरा कर सके उसे जीने का हक ना है मासा। हमारे से गलती होगी ना बहुत बड़ी वाली, तो ये सजा दे मारे को मासा। मार अपने हाथों से मार, और तब तक मारती रहे जब तक मारी चमड़ी ना उतर जाए। सजा तो मैं अपने आप को दे लूं मासा, पर थारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त ना होगी। माफ कर दे अपने लाठे सर, पर क्यों नहीं सजा दे मारे को। अगर आज तने अपने हाथों से मारे को सजा ना देना मासा, मैं भी अपने आप को कभी माफ ना करूं मासा जब तक तू मारे को सजा ना देगी। जानू ये सब क्यों कर रहा है तू? जब तक अपने मकसद में कामयाब ना होगा तब तक अपनी मासा को सकल न दिखावेगा, यही कहा था ना तूने? लाड़े से तारी मासा इतनी कठोर है कि तारी एक गलती माफ ना कर सके। मेरे फ्रेंड की चिंता ना कर, मैं जानू हूँ आज नहीं तो कल तू अपने मकसद में कामयाब होगा, और तब तब जाके उस छोरी के खून से मैं मारे बाल धोऊंगी। पर मासा मैं लाड़ी सर देख अपने आप को सजा देना जरूरी ना है, पर अपने से हुई गलती को सुधारना जरूरी है। पर मारे को पता है मारे लाड़ी सर को अपनी मासा के बोल का मोल है। आज नहीं तो कल तू अपना वादा निभावेगा, मैं जानू हूँ। देख लाड़ी सर ऐसे गुस्सा ना कर, जो होना था हो गया, शांत हो जा, दिमाग ठंडा रख। दिमाग ठंडा होगा तो सोच सकेगा अपना मकसद कैसे पूरा करना है। चिंता ना कर, सब कुछ ठीक है। देवी को नाम आपने की माफी तो मासा ने दे दी, और उस रात जो हुआ उसके लिए माफी किस मुंह से मांगूंगा? लाड़ी सर मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है।
कुछ चीखना है, सब कुछ गलत है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज तूने अपनी मासा से ही नहीं, पूरे रजावत नाम के साथ गद्दारी की है तूने। थारे पे से भरोसा उठ गया, कुछ न कर पाएगा तू अब। दो टके की छोरी की खूबसूरती ने मारे फौलाद जैसे बेटे को मोम बना दिया। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? हे भगवान, अजीता ये खून, ये कितना खून निकल गया। मजीसा थे यहाँ, बैठो, मैं दवाई लगाऊं। थारे बैठो, बैठो। मजीसा कुछ ना होगा, कुछ ना होगा। मजीसा पर मजीसा ये कैसे हो गया? पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। जब से शरद जी से बात हुई है तब से कोई अता पता नहीं है इनका। फोन भी तो नहीं उठा रहे हैं। कम से कम एक जिम्मेदार पति की तरह बता कर तो जाते, तो इनके पीछे इतना परेशान नहीं होती मैं। सवालों के जवाब मैं किससे जाके पूछूं? लाड़ी सर, बहुत दुख दिया है तूने अपनी मासा को। दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज माँ का दूध हो गया है, जो तू भूल गया। क्या तो शायद थारे को परवाह ही ना रहे, वो छोरी के प्यार में, उसकी खूबसूरती में डूबा अधिराज अंधा हो गया, अपनी मासा को देख ही ना सके, भूल गया अपनी मासा को, उसे किए हुए वादे को। तू आया था माफी मांगने, कुछ ना बोली मैं, पर लाड़े सर सच बात तो ये है, बहुत तकलीफ दी है अपनी माँ को। ना मासा ना, जो तू सोच रही है ना ऐसा कुछ भी ना मासा, मारी बात पर विश्वास कर, ऐसा कुछ भी ना। वो छोरी से हमारे को प्यार ना है मासा। झूठ, कब तक आप अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वरना अपनी जान पर खेलकर मुझे क्यों बचाते? झूठ बोल रही है, यो झूठ बोल रही है, तो झूठ बोल रही है। छोरी मारे को अच्छी तरह मालूम है मासा, यो छोरी झूठ बोल रही है। तू मारी बात पे विश्वास कर मासा, ये छोरी झूठी है। तू छोरी की बातों में ध्यान दे मासा, मासा मारी बात का विश्वास कर मासा, मासा मासा के थोड़ी वजह से मारी मौसा चली गई। नफरत करूं मैं तारी से, नफरत, यो सब नाटक था, तेरे सुना नाटक। यो भी चल गई, यो यो सब क्या चल रहा है, ये जा रहा है सब, यो सब झूठ था, सब कुछ झूठ है, झूठ था ये सब। अरे किस ग्रहसमी में तेरे सोच लिया कि अधिराज चौवन सारे को अपनी बिंदड़ी मारेगा? अरे हाय, सारे को अपनी बिंदड़ी मारेगा अधिराज उल्टा, सारे को सब सुन रहे ना, तो सुन, तू जहां कहीं भी बैठी है ना हमारी बात को ध्यान से सुन। यो अधिराज चौवन सारे से नफरत करे, प्यार का खेल किया था थारे साथ, नाटक किया था कि थारे को मार सकूं,
तुम्हारा विश्वास जीत के रानी को खुशियां देके एक झटके में उसको वापस छीन लो, क्योंकि तूने मेरी माता को मारने की कोशिश की। तेराज़